कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों में तेज और अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज बारिशें अगले 24 घंटे में होने के आसार जताए गए हैं। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश होने वाली है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय हिस्से, जहां सिक्किम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में अति सक्रिय रहा, जबकि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा में सक्रिय रहा है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश, रायसलीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में मानसून कमजोर रहा है। उत्तर मध्य और आसपास के दक्षिण पश्चिम अरब सागर और गुजरात महाराष्ट्र के समुद्री तटों पर और उसके आसपास के इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं। इसलिए मछुआरों को अगले 24 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में उद्यम नहीं करने की सलाह दी गई है। वहीं आपको बता दें, असम, मेघालय, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग स्थानों पर कल 8:30 बजे से आज 8:30 बजे तक कड़कती बिजली और तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और तटीय उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अधिकतर स्थानों पर बारिश हुई है। इसके साथ ही असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय इलाके, सिक्किम, पूर्व मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप में कई स्थानों पर तथा पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती इलाके जिसमें ओडिशा, झारखंड, बिहार, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में कुछ स्थानों पर, वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम राजस्थान, रायसलीमा, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग स्थानों पर बारिशें हुई हैं या फिर गरज के साथ छींटे पड़े हैं।